देखिए, लोकसभा को लेकर प्रदेश की इलेक्शन कमेटी की सभी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनकी छानबीन समिति की बैठक प्रदेश के अंदर हो चुकी है और अभी हमारे सभी कोऑर्डिनेटर सभी जिलों के अंदर, सभी विधानसभाओं के अंदर, ब्लॉकों के अंदर जा रहे हैं मौजूदा समय में। और यही नहीं, हमारे प्रदेश प्रभारी रंधावा साहब, डोटासरा जी और मैं, हम तीनों लोग मिलके 1 तारीख से 7 जिलों के अंदर वहीं पे जाएंगे, जिसमें 1 तारीख को गंगानगर, 2 तारीख को बीकानेर, 3 तारीख को बाड़मेर, 4 को चूरू, 5 को सीकर, 6 को झुंझुनू और 7 को जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्रों की मीटिंग हम वहां पे जाके कार्यकर्ताओं से लेंगे और कार्यकर्ताओं से 1-to-1 संवाद करेंगे। ये हमारी अभी जो प्लानिंग है हाल फिलहाल जो अगले वीक की है। बाकी सभी जगह पे हमारे कोऑर्डिनेटर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, ये एक बड़ा झटका नहीं है इंडिया गठबंधन को? देखिए, बड़े झटके की बात नहीं, ये पहले से ये बात जानकारी में थी। खड़गे साहब ने जैसा कि खुद ही कहा है कि काफ़ी समय से चल रहा था और वो तो आया राम गया राम कुछ लोग होते हैं, अब इसमें तो हम क्या कह सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार का जो समय चल रहा है देश के अंदर, वो बड़ा कठिन समय है। मैं ये कहना चाहूँगा, गठबंधन या विपक्षी जो पार्टियाँ हैं उनको लगातार तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। एक तरफ तो ये 400 पार की बात कर रहे हैं, जब 400 पार हो रहे हैं तो फिर क्यों किसी को तोड़ते घूम रहे हैं? इनमें कमजोरी है, ये जो सारा जो हवा जो बना रखा है वो कुछ नहीं है। अब की बार जो इंडिया गठबंधन की सरकार देश के अंदर बनेगी, पूरे देश की जनता ने ये तय कर लिया है। राहुल गांधी की जो यात्रा है, नमस्कार को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड? देखिए, अब ये लोग नई नई परिपाटियां शुरू कर रहे हैं, करिए, हमें तो कोई ऐतराज़ तो है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं अच्छी एजुकेशन दी जाए। महात्मा गांधी जो स्कूल हमने खोले हैं उन पर तो ये ऐतराज़ जता रहे हैं, ये चाहते हैं गरीब का बच्चा आज भी हिंदी मीडियम की शिक्षा ही ग्रहण करें, प्राइवेट स्कूल के अंदर ही जाए, ये इन लोगों की नीति है। क्या कांग्रेस के खिलाफ नहीं है सूर्य नमस्कार के आदेश के खिलाफ? देखिए, सूर्य नमस्कार जो है ये कराना चाह रहे हैं, कराइए, तो इसके खिलाफ की क्या बात होगी? कांग्रेस कार्यकाल में कुछ नहीं कराया गया, आपने कहा अच्छा है। कांग्रेस का वोट बैंक माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में सूर्य नमस्कार करना कोई जरूरी नहीं है, तो माइनॉरिटी की भावनाओं का कांग्रेस कार्यकाल में, कांग्रेस कार्यकाल में। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये माइनॉरिटी भी ये चीज़ समझ रही है, हम भी समझ रहे हैं, दलित भी समझ रहा है, पिछड़ा भी समझ रहा है, सब लोग समझ रहे हैं। क्या देश के अंदर किस प्रकार से ये लोग सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, ये आप सब लोग जान रहे हैं। देखिए, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का कहना है कि कांग्रेस सरकार में कई सारे घोटाले हुए हैं, चाहे फिर वो जल जीवन मिशन हो, उसको लेकर आप किस तरह से काउंटर करें? भाई, जल जीवन मिशन को लेकर काफ़ी समय से ईडी और ये सब लोग लग रही एजेंसियां इनकी, तो घोटाले उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? आप एक तरफ कांग्रेस शासन पे घोटाले बता रहे हो और दूसरी तरफ आपकी केंद्र के अंदर सरकार है, आप रोज़ाना छापे भी मार रहे हो, तो उसमें आपको क्या मिला आप बताइए? आपने डोटासरा जी के छापा मारा, आपने धर्मेंद्र राठौड़ के छापा मारा, आपने राजीव अरोड़ा जी के छापा मारा, आपने महेश जोशी जी के छापा मारा, तो आप कुछ बताइए तो सही, इनमें क्या निकला है? जनता के सामने बात आनी चाहिए। कांग्रेस नेता आर आर तिवाड़ी का कहना है कि कांग्रेस को जो हार मिली है विधानसभा चुनाव में, वो कांग्रेस में शामिल जो जयचंद हैं उनकी वजह से हार मिली, कौन वो लोग हैं जयचंद? वो तो आर आर तिवाड़ी जी बताएंगे, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है और कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का वोटर हर बूथ के ऊपर है। कहीं ना कहीं कुछ लोग कई बार हम में से गलती करते हैं, गड़बड़ करते हैं, जिसका खामियाजा हमारे कैंडिडेटों को उठाना पड़ता है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके पार्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए, इस बात पे भी हम जरूर ध्यान दें। इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, असम में राहुल गांधी का विरोध होता है न्याय यात्रा का, अब वो विरोध बंगाल में हो रहा है, क्या इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक पूरी तरह सुरक्षित रह पाएगा? देखिए, असम के अंदर जिस प्रकार के हालात वहाँ की बीजेपी सरकार पैदा कर रही है, जनता का विरोध नहीं है, राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से पैदल चल के 4,500 किलोमीटर वहाँ कश्मीर के अंदर पहुँच गए, बंगाल में कहीं भी विरोध नहीं हुआ, कहीं भी विरोध नहीं हुआ। आज मणिपुर से जब यात्रा, मणिपुर, आप बात सुनिए पूरी, मणिपुर में जो यात्रा शुरू हुई है, विरोध कौन कर रहा है? असम में विरोध कौन कर रहा है? ये बीजेपी की जो गवर्नमेंट है,
वहीं पे विरोध कराया जा रहा है। बंगाल में कोई यात्रा का विरोध नहीं है, आसाम में यात्रा को रोका गया है, राहुल गांधी जी को मंदिर में जाने के लिए रोका गया है, दर्शन नहीं करने दिए हैं, ये क्या बात हुई? अमित शाह जाए तो उस रूट पे जा सकता है, राहुल गांधी जाए तो उस रूट पे नहीं जा सकता। आप लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात करते हैं, बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर निर्माण के बाद अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का सफाया होना तय है। तो बीजेपी प्रचार करना छोड़ दे, बीजेपी को लग रहा है कि राम मंदिर से वोट मिल जाएंगे तो प्रचार करना बंद कर दे, कैंडिडेट उतार देगी, क्यों गली गली घूम रहे हैं सर? कांग्रेस लोकसभा में क्यों घर घर जाके चावल बंटवा रहे हैं, क्यों गली गली घूम रहे हैं अगर ये जीत रहे हैं तो? आप देखिए, ज्यादा बहम नहीं करना चाहिए सर। राम मंदिर का जो मुद्दा है मैं बताना चाहूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। भगवान राम को इन्हीं के पेटेंट है क्या? बीजेपी के आने के बाद में भगवान राम पैदा हुए या इन्होंने मंदिर बनाने के बाद में भगवान राम आए? मेरे तो नाम में ही राम है, सबरी के भी राम है, निषाद के भी राम है, हर आदमी के राम है, जो मानते हैं उन सब के राम है। सचिन पायलट साहब की क्या भूमिका रहने वाली है लोकसभा? सचिन पायलट जी हमारी पार्टी नेता है हमारे, उनकी कैसे नहीं रहेगी उनकी भूमिका? क्या मतभेद सारे भुला दिए गए हैं एक साथ कांग्रेस? मतभेद कहाँ हैं, मतभेद कहाँ हैं? सब लोग मिलके चुनाव लड़े हैं, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। पायलट साहब आज छत्तीसगढ़ के अंदर काम कर रहे हैं, उनको महासचिव बनाया गया है कांग्रेस पार्टी का, इतना बड़ा पद दिया गया है। जरूरत है ज़्यादा पायलट साहब की या छत्तीसगढ़ में? देखिए ऐसा नहीं है कि कहीं वो राजस्थान से बाहर थोड़ी चले गए छत्तीसगढ़ में जाके। अब और जितेंद्र सिंह जी जो हैं हमारे अलवर के हैं और आसाम के प्रभारी हैं, तो क्या वो अलवर छोड़ गए? ये सिर्फ मीडिया इन चीज़ों को बना